सब्सक्राइब करें एसएन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं किसी भी कंप्रेसर में कॉमन स्टार्ट एंड रनिंग टर्मिनल का आइडेंटिफिकेशन मल्टीमीटर से किस तरह किया जाता है। आज के वीडियो में हम प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। बेसिकली किसी भी सिंगल फेज कंप्रेसर में हमारे पास तीन टर्मिनल होते हैं, एक होता है कॉमन, एक होता है स्टार्ट एवं एक होता है रनिंग। बेसिकली जब भी हम कनेक्शन करते हैं तो उसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है कौन सा टर्मिनल इसमें कॉमन है, कौन सा टर्मिनल स्टार्ट है एवं कौन सा टर्मिनल इसमें रनिंग है। तो आज के स्टडी में इससे रिलेटेड आपको जो भी डाउट है वह क्लियर हो जाएंगे। तो बेसिकली इसका आइडेंटिफिकेशन, कॉमन स्टार्ट और रनिंग का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। तो रेजिस्टेंस मेजर करने से पहले हम इसकी थोड़ी वर्किंग समझ लेते हैं, इसकी वाइंडिंग किस तरह होती है। यदि हमें इसकी वाइंडिंग समझ में आ गई, इसकी वर्किंग समझ में आ गई, तो हम इसका आइडेंटिफिकेशन आसानी से कर सकते हैं कौन सा कॉमन है, कौन सा स्टार्ट है एवं कौन सा रनिंग है। बेसिकली इसमें दो तरह की कॉइल या दो तरह की वाइंडिंग होती है, एक होती है रनिंग वाइंडिंग और एक होती है स्टार्ट वाइंडिंग। बेसिकली जो रनिंग वाइंडिंग होती है वह मोटे तार से की जाती है। मोटे तार से होने के कारण क्या होता है, इसकी जो वाइंडिंग मोटे तार से की जाती है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहाँ पे क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट मीन्स मोटाई है। यदि इसकी मोटाई ज्यादा होगी, यहाँ पे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया रेजिस्टेंस के। यदि यहाँ पे मोटाई ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, दैट मीन्स रनिंग का जो रेजिस्टेंस होगा वह कम होगा एज कम्पेयर टू स्टार्टिंग के। चलिए यह तो यह हुआ। अब हम आगे की प्रोसेस समझते हैं, क्या करेंगे हम, एक बार सपोज रनिंग के तार से इसमें रेजिस्टेंस लेंगे तो हमें रेजिस्टेंस सबसे कम मिलेगा, दैट मीन्स सबसे लो रेजिस्टेंस मिलेगा। और जब हम स्टार्टिंग से कॉमन में लेंगे तो हमें क्या करेगा, मीडियम रेजिस्टेंस मिलेगा। हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे यहाँ पे मीडियम रेजिस्टेंस मिलेगा। और जब भी हम स्टार्ट और रनिंग के बीच में रेजिस्टेंस लेंगे तो यहाँ पे हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि क्या होगा, यहाँ का रेजिस्टेंस प्लस यहाँ का रेजिस्टेंस दोनों कैलकुलेट हो गए। तो जहां पर भी हमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस, जिन दो पॉइंट पर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है वो क्या कहलाएगा, हमारा स्टार्टिंग और रनिंग टर्मिनल। दैट मीन सपोज यहाँ पे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस मिला तो ये हो जाएगा स्टार्ट और रनिंग, जो तीसरा टर्मिनल बचेगा वो ऑटोमेटिकली कॉमन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कॉमन टर्मिनल का पता चल गया है, अब हम क्या करेंगे, कॉमन से एक बार यहाँ पे लगाएंगे, एक बार यहाँ पे लगाएंगे। तो जहां पे सबसे कम रेजिस्टेंस आएगा वह हमारा रनिंग हो जाएगा, जहां पे मीडियम रेजिस्टेंस आएगा वह हो जाएगा हमारा स्टार्टिंग। तो ये तो बेसिक हुआ कि किस तरह इसमें पता किया जाता है, अब हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। बेसिकली हमारे पास एक कंप्रेसर है, कंप्रेसर में इस तरह के तीन पॉइंट दिए गए हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर को सबसे पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस पर सेट करके इसे ऑन कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस मेजर करेंगे एक एक करके। तो जैसे कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी दो टर्मिनल के बीच में यहाँ पे रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं। तो कितना रेजिस्टेंस आ रहा है हम देख लेते हैं, 65 अप्रोक्स 65, देखिए 65 आ रहा है, तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। सबसे नीचे वाले दो टर्मिनल पे हमारा कितना रेजिस्टेंस आया है, 65 आया है, अभी हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लेंगे और देख लेते कितना आ रहा है, अप्रोक्स 55 आ रहा है। तो इन दो टर्मिनल के बीच में कितना आया, 55 आया, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 55 ओहम। अब चलिए तीसरे टर्मिनल यहाँ से यहाँ पे मेजर कर लेते हैं, यहाँ पे हम मेजर करते हैं तो कितना रेजिस्टेंस आ रहा है हम देख लेते हैं, 11 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 11 लिख लेते हैं, यहाँ पे आया 11 ओहम। चलिए अब इसमें किस तरह हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि कौन सा कॉमन है, कौन सा स्टार्ट है, कौन सा रनिंग है। तो जैसा कि हमने क्या देखा था, जहां पर भी दो टर्मिनल में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा, दैट मीन सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पर आया है, तो जिन भी दो टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा आएगा वह हो जाएगा हमारा स्टार्टिंग और रनिंग हो जाएगा। तो ये दो टर्मिनल हमारे स्टार्टिंग और रनिंग है, तो हमें स्टार्टिंग और रनिंग होने से क्या होगा, ये हमें पता चल चुका है, यह क्या है, कॉमन टर्मिनल है। अभी हमें कॉमन का पता चल चुका है, बट स्टार्टिंग और रनिंग का पता नहीं चला है। तो स्टार्टिंग और रनिंग के लिए हमने क्या किया था, जहां पर भी मीडियम रेजिस्टेंस आएगा, दैट मीन्स ये कॉमन हो गया, कॉमन के साथ मीडियम रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है, 55 ओहम आ रहा है। तो जो जहां पे मीडियम आ रहा है वो हो जाएगी हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग, दैट मीन्स ये टर्मिनल हमारा क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। चलिए अब हमने स्टार्टिंग का पता चल चुका है, यहाँ पे मीडियम रेजिस्टेंस आया, और कॉमन के साथ जहां पे सबसे कम रेजिस्टेंस आएगा वो हो जाएगा हमारा रनिंग पॉइंट। तो
ये हो गया हमारा रनिंग पॉइंट। तो इस तरह हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा रनिंग है, कौन सा कॉमन है। दैट मीन्स जहां पर भी सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा वो हमारा हो जाएगा स्टार्ट और रन। इससे हमें पता चल जाएगा कॉमन कौन सा है। कॉमन के साथ हम एक बार रेजिस्टेंस यहाँ लेके एक बार रेजिस्टेंस यहाँ पे लेके, जहां पर रेजिस्टेंस कम ज्यादा आएगा वहां हो जाएगी हमारी स्टार्टिंग, और जहां पर रेजिस्टेंस कम आएगा वह हो जाएगी हमारी रनिंग। तो इस तरह हम आसानी से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कौन सा कंप्रेसर में कॉमन है, कौन सा स्टार्ट और कौन सा रनिंग है। बेसिकली कंप्रेसर में जो ऊपर की तरफ पॉइंट दिया गया होता है वो होता है हमारा कॉमन, और ये स्टार्टिंग और रनिंग होता है। और कोई कोई से कंप्रेसर में क्या होता है, ये जो सिंगल पॉइंट होता है इसे नीचे दिया गया होता है और इन दो टर्मिनल को ऊपर दिया गया होता है। तो इस तरह आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके टर्मिनल कहीं भी दिया हुआ। यदि आपके पास मल्टीमीटर है तो आप आसानी से इसका पता कर सकते हैं। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक रिले है, इसका कनेक्शन आगे किस तरह किया जाएगा, इसमें थर्मल ओवरलोड रिले का कनेक्शन किस तरह किया जाएगा वो हम आगे समझने वाले हैं, आगे के वीडियो में समझेंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, और उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स उसे कमेंट्स में जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड्स।